हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। आपने अभी तक सिलेंडर हेड और ब्लॉक में जो पैसेज होते हैं, इनलेट और आउटलेट पैसेज, उनमें जो वाल्व लगे होते हैं, इनलेट और आउटलेट वाल्व, उन्हीं को ऑपरेट, जो चलाने के विभिन्न जो तरीके हैं और उसमें जो जो मैकेनिज्म लगे होते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। विशेष तौर पर आज के टॉपिक में वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म की जो आवश्यकता है और वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म के जो प्रकार हैं तथा जो इंजन वाल्व की जो यंत्रावली है, उसके कौन कौन से जो सहायक जो पार्ट हैं और सीटों का महत्व और सिलेंडर हेड में वाल्व सीट को फिट करने के समय क्या ध्यान देना होता है, क्या उसका तरीका होता है, इस पर विशेष तौर पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं, वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म जो होता है, सिलेंडर हेड अथवा सिलेंडर ब्लॉक में वाल्व को फिट किए जाते हैं, ये हम जान चुके हैं। तो इन्हीं वाल्वों को खोलने के जो तरीके हैं, जो विधि है, और इन वाल्वों को सिलेंडर हेड और सिलेंडर ब्लॉक में जो लगाने के जो तरीके हैं, इन्हीं को हम वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें रिक्वायरमेंट फॉर वाल्व ऑपरेशन की, तो वाल्व संचालन की जो आवश्यकताएं हैं वो आखिर क्यों पड़ी। तो सबसे पहला पॉइंट है कि वाल्व को अपनी सीट पर कस कर और ठीक से बैठना चाहिए। जो हम वाल्व यूज़ कर रहे हैं, इनलेट पोर्ट और आउटलेट पोर्ट, चाहे वो सिलेंडर हेड में उसको व्यवस्थित किया जाए या सिलेंडर ब्लॉक में व्यवस्थित किया जाए, हमें ये सुनिश्चित करना है कि वाल्व जो है अपने निश्चित स्थान पर, अपने सीट पर ठीक तरह से वो बैठ सके, जिससे कम्बस्टन चैम्बर को वह पूरी तरह से सील कर पाए, अपने पोर्टों को पूरी तरह से वह बंद कर पाए। और दूसरा पॉइंट है कि वाल्वों को एक निश्चित समय पर खुलना व बंद होना चाहिए, ताकि जो शुद्ध हवा है वह सिलेंडर में ज़्यादा से ज़्यादा आ सके और जो जली हुई गैसें हैं वह एग्जॉस्ट पोर्ट के रास्ते वह पूर्ण रूप से बाहर निकल सके। और तीसरा जो मुख्य कारण है कि जो टैपेट क्लियरेंस वह बिल्कुल सही होना चाहिए। जो वाल्व का जो टीप है और जो राकर का जो राकर आर्म है, इन दोनों के बीच में एक गैप सुनिश्चित किया जाता है, वह बिल्कुल सही हो। और जो चौथा पॉइंट है वो वाल्व स्टेम व गाइड के बीच क्लियरेंस भी सही होना चाहिए। ये जो वाल्व है अपनी गाइड के बीच बिल्कुल सही तरीके से सेट हो, फिट किया जाए, वाल्व गाइड और वाल्व स्टेम के बीच में जो क्लियरेंस है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा उसमें जाम नहीं होना चाहिए या बहुत ज़्यादा उसमें ढीला नहीं होना चाहिए। तो इन सब आवश्यकताओं को वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म में ध्यान रखा जाता है, जिससे ये जो ऑपरेशन है, वाल्व को निश्चित समय पर खोलना, बंद करना, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज सिलेंडर में एंटर कराना, जली हुई जो गैसें हैं उसको पूर्ण रूप से सिलेंडर से बाहर निकालना, तो इन सब प्रक्रियाओं से जो इंजन की जो दक्षता है वह पूर्ण रूप से विकसित हो पाती है। अगर ये वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म अगर किसी भी कार्य में उसको कोई बाधा आती है या कोई परेशानी आती है, तो इंजन की जो दक्षता है वह घट जाती है, इंजन जो है वह कम दक्षता पर अपनी जो शक्ति है, पावर जो है वो डेवलप कर पाती है। तो इसी कारण जो वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है, इस पर बहुत ध्यान देना होता है, ताकि जो वाल्व है वह ठीक तरीके से अपने निश्चित स्थान पर
सही समय पर खुलें और बंद होएं। तो अब बात करते हैं हम वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म के बारे में। तो वाल्व ऑपरेटिंग जो मैकेनिज्म है उसे दो तरीकों से व्यवस्थित किया जाता है। एक होता है ओवरहेड वाल्व व्यवस्था और दूसरा होता है साइड वाल्व व्यवस्था। ओवरहेड वाल्व व्यवस्था में जो वाल्व होता है उसको सिलेंडर हेड के ऊपर व्यवस्थित किया जाता है, और साइड वाल्व व्यवस्था में जो वाल्व होते हैं उसको सिलेंडर ब्लॉक के साइड में सेट किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। तो वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म जो देखने में इस तरह के होते हैं, ओवरहेड वाल्व व्यवस्था में सिलेंडर हेड के ऊपर इस तरह से वाल्व लगे होते हैं, कंबस्टन चैम्बर नीचे होता है, और साइड वाल्व व्यवस्था में जो वाल्व होते हैं सिलेंडर ब्लॉक में एक किनारे पर अटैच होते हैं, और जो पोर्ट होते हैं वो सिलेंडर ब्लॉक में होते हैं। जो पोर्ट होते हैं यहाँ से एंटर करेंगे और यहाँ से कंबस्टन चैम्बर में जाएंगे, या अगर जली हुई गैसें निकल रही हैं साइड वाल्व व्यवस्था से तो जैसे ही वाल्व ओपन होगा तो जली हुई गैसें यहाँ से फिर बाहर निकलेंगी। तो इस तरह से होती है। तो ओवरहेड वाल्व जो व्यवस्था है इसको आई हेड वाल्व व्यवस्था भी कहा जाता है। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, आई हेड वाल्व व्यवस्था, एफ हेड वाल्व व्यवस्था, एल हेड वाल्व व्यवस्था, इस तरह के जो वाल्व अरेंजमेंट के हिसाब से जो सिलेंडर हेड की जो बनावट होती थी, तो उसी आधार पर मैंने दोनों को एक ही इंजन में फिट कर दिया है। तो ऐसा भी होता है किसी व्यवस्था में ओवरहेड वाल्व व्यवस्था भी होता है और साइड वाल्व व्यवस्था दोनों ही होते हैं। जो ओवरहेड वाल्व व्यवस्था होंगे वो सिलेंडर हेड में होंगे, जो साइड वाल्व व्यवस्था होंगे वो सिलेंडर ब्लॉक में अटैच होंगे। ठीक है। तो ओवरहेड वाल्व व्यवस्था में वाल्वों को खोलने और बंद करने के लिए, ओवरहेड वाल्व व्यवस्था में जो दो वाल्व जो होते हैं इनलेट वाल्व और जो एग्जॉस्ट वाल्व, वो दोनों ही इस तरह से सिलेंडर हेड के ऊपर इस तरह से फिट किए जाते हैं, और इन वाल्वों को खोलने और बंद करने के लिए ये जो कैमशाफ्ट है वो एक ही होता है। तो इस वाल्वों को खोलने और बंद करने के लिए दो अतिरिक्त मैकेनिज्म की आवश्यकता होती है। ये होता है रॉकर आर्म और ये होता है पुश रॉड। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जो कैमशाफ्ट होते हैं उसमें एसेंट्रिक कैम के इस तरह के लोब अंडाकार आकृति के बने होते हैं। एक शाफ्ट होता है, सीधी शाफ्ट होता है ये जो कैमशाफ्ट, जिस पर इस तरह के अंडाकार आकृति के एसेंट्रिक लोब्स बने होते हैं। जब कैमशाफ्ट जो है वो घूमता है तो ये जो लोब होते हैं वो भी घूमते हैं। तो ये वाला जो उभरा हुआ भाग है ये जब आगे की वो रोटेट होगा तो इस लिफ्टर को या फॉलोवर को वह ऊपर की ओर उठाता है। तो ऊपर की ओर उठने से ये जो एसेंट्रिक लोब है कैमशाफ्ट के घूमने से, अभी यहाँ का जो व्यास है वो कम है तो वाल्व लिफ्टर जो है वह नीचे की ओर है। इस समय जो पोजीशन है वाल्व जो है वो अपनी सीट से चिपका हुआ रहेगा, मतलब वाल्व जो है वो क्लोज है, क्योंकि ये जो स्प्रिंग है वाल्व स्प्रिंग ये अपनी क्षमता पर बाहर की ओर फैल चुके हैं, जिससे वाल्व जो है अपनी सीट से पूरी तरह से बंद है। रॉकर आर्म और पुश रॉड जो है बिल्कुल निष्क्रिय स्थिति में है। जैसे ही कैमशाफ्ट जो है वह घूमेगा तो ये वाला जो स्थान है लोब का, ये जो उभार है बड़ा सिरा है या हाइट है, ये जो है इस लिफ्टर या फॉलोअर को ऊपर की ओर उठाएगा। तो इस फॉलोअर के ऊपर उठने के साथ ही ये जो पुश रॉड है, इसको पुश रॉड कहते हैं, ये भी ऊपर उठेगा। तो ये जो रॉकर आर्म है
एक शाफ्ट पर फिक्स की गई है, स्थापित की गई है, तो बिल्कुल एक जैसे तराजू होता है ना, भार तोलने वाला एक मापी यंत्र जो होता है, इसमें एक पलड़ा अगर नीचे जाता है तो दूसरा पलड़ा जो है वो ऊपर आता है। बस उसी तरह से जैसे ही ये पुश रॉड रॉकर आर्म के इस हिस्से को ऊपर करता है, तो इस रॉकर का जो दूसरा सिरा है वो नीचे की ओर आता है। तो नीचे की ओर आएगा तो ये जो वाल्व टिप है इसको वो प्रेस करेगा, वाल्व अपनी सीट से नीचे की ओर कंबस्टन चेंबर में खुलेंगे, तो ये पोर्ट जो है खुल जाएगा। तो इस तरह से ये जो वाल्व है वो खुलते हैं, और जैसे ही ये लोब जो है उसका जो हाइट है वो आगे की ओर बढ़ जाएगा, तो वापस ये जो फॉलोवर है या लिफ्टर है, पुश रॉड और रॉकर आर्म जो है वो रिलीज हो जाएंगे, वापस अपनी स्थिति पर आ जाएंगे। क्योंकि जब ये एसेंट्रिक लोब जो है वो आगे की ओर बढ़ जाता है, तब ये जो स्प्रिंग है ये प्रबल हो जाता है और ये वाल्व को वापस अपनी सीट में बंद कर देता है। और जो हमारा दूसरा तरीका है साइड वाल्व मैकेनिज्म, इसमें जो वाल्व होते हैं इनलेट हो या एग्जास्ट वाल्व हो, वो सिलेंडर ब्लॉक के एक किनारे पर या दोनों किनारों पर स्थापित किए जा सकते हैं। तो इसमें वाल्वों को खोलने और बंद करने के लिए एक अथवा दो कैमशाफ्ट अगर दोनों छोर पर है तो एक ही छोर पर है, तो एक कैमशाफ्ट अगर दोनों किनारों पर है, दोनों सिरों पर, तो दो कैमशाफ्ट की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें पुश रॉड की आवश्यकता साइड वाल्व व्यवस्था में नहीं होगी। तो जो वाल्व जो फॉलोअर है लोब के साथ में लगा हुआ है और सीधे सीधे जो वाल्व का जो टिप है वो स्प्रिंग से लोडेड वाल्व अपनी सीट पर बैठा हुआ है, और उस टिप पर एक टैपेट है और उसके नीचे सीधा जो कैम का जो सेंट्रिक लोब है वो संपर्क में बना हुआ है। तो यहाँ भी वही परिस्थिति आएगी, जैसे ही कैम शाफ्ट जो है वो रोटेशन करेगा, घूमेगा, तो ये जो कैम का जो हाइट है, जैसे ही ये इस टैपेट को ऊपर की ओर उठाएगा, तो ये जो वाल्व है अपनी स्प्रिंग के विरुद्ध अपनी सीट से यहाँ पर खुल जाएगा, और ये जो पोर्ट है खुलेंगे तो अगर इनलेट पोर्ट है तो चार्ज जो है वो सिलेंडर के अंदर जाएगा, अगर एग्जॉस्ट पोर्ट है तो जो जली हुई गैसें हैं वो सिलेंडर से बाहर निकलेगा। इस तरह के जो वाल्व व्यवस्थाएं हैं, तो यहाँ पर जब टेपर क्लियरेंस जब सेट किया जाता है तो ओवरहेड वाल्व व्यवस्था में वाल्व टेप और रॉकर आर्म के बीच में फिलर गेज की सहायता से और स्क्रू ड्राइवर और रिंग स्पनर की सहायता से ये जो एडजस्टिंग स्क्रू है यहाँ से हम वाल्व क्लियरेंस का समायोजन करते हैं ओवरहेड वाल्व में। और साइड वाल्व व्यवस्था में हम क्या करते हैं कि वाल्व और जो टैपट है इसके बीच में ये जो टैपट है ये एडजस्टिंग यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, यहाँ पे फिलर गेज और रिंग स्पैनर डबल एंड स्पैनर की सहायता से हम आसानी से जो ब्लॉक के जो किनारे हैं वहाँ पर एक साइड पैनल होगा यहाँ पे इसको देखने के लिए, जैसे यहाँ पर एक कवर होता है टैपेट कवर जिसको कहते हैं, वैसे ही यहाँ पर एक ब्लॉक के साइड पर एक कवर होगा जिसको भी हम टैपेट कवर कह सकते हैं या कहते हैं, तो उसको खोल करके हम यहाँ पर वाल्व का जो क्लियरेंस है उसका समायोजन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं एसेसरीज फॉर वाल्व मैकेनिज्म। तो इंटरनल कम्बशन इंजन में इस तरह से जो ओवरहेड वाल्व व्यवस्था है और साइड वाल्व व्यवस्था है, इन सबको पूर्ण रूप से बिना रुकावट के सही प्रकार से संचालित करने के लिए, इन सब के अलावा कई छोटे और आवश्यक कल पुर्जे और भी हैं, जैसे कि एक
लाइन से अगर हम इसके बारे में, अगर इसके पुर्जों के बारे में अध्ययन करें तो ये है कैम शाफ्ट, कैम लोप, फॉलोअर या लिफ्टर, पुश रॉड, रॉकर आर्म, और ये जो है वाल्व टिप है, ये वाल्व कैप, स्प्रिंग, ये जो है गाइड है, और यहाँ पर है वाल्व सीट। तो साइड वाल्व व्यवस्था में देखें तो ये है कैम शाफ्ट, लिफ्टर या टेपर्ड, वाल्व स्प्रिंग कैप, वाल्व स्टेम, यहाँ पर है स्टेम से लगा हुआ वाल्व गाइड, और ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं वाल्व सीट, जो वाल्व के फेस के साथ में मैच करता है। तो वाल्व ऑपरेटिंग जो एसेसरीज है इसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं वाल्व सीट की। तो वाल्व सीट जो है सिलेंडर हेड अथवा सिलेंडर ब्लॉक में ऐसे स्थान पर फिट किया जाता है जहाँ पर कम्बशन चैम्बर हो, और जिस स्थान पर वाल्व जो है अपने कम्बशन चैम्बर में खुल सके। ये जो वाल्व का ये जो फेस होता है, तो हम बात कर रहे थे वाल्व सीट की। तो इंजन वाल्वों के ये जो फेस हैं इन्हीं सीट पर कम्बशन चेंबर में चिपक करके बैठती हैं, और जो गैसें हैं उसको कम्बशन चेंबर पर सील किया जाता है। तो ये जो सीट होते हैं एक रिंग की तरह होते हैं, इस तरह का एक रिंग होता है जिसके अंदरूनी हिस्से पर एक तिरछा काट किया जाता है, जिस आकृति का जो वाल्व के जो फेस होते हैं जिस एंगल में कटे होते हैं उसी एंगल पर इस सीट के अंदरूनी हिस्से पर हम फेस तैयार करते हैं। और ये जो सीट है सिलेंडर हेड में वाल्व जिस स्थान पर लगता है वहां पर, और सिलेंडर ब्लॉक में वाल्व कम्बशन चेंबर के जिस स्थान पर लगता है वहां पर हम इस सीट को प्रेस फिट करते हैं, एयर टाइटली फिट करते हैं। तो वाल्व सीट को जिस स्थान पर वाल्व लगाना है उस स्थान पर फेस को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, सिलेंडर हेड अथवा सिलेंडर ब्लॉक पर निश्चित स्थान पर इस सीट को प्रेस फिट किया जाता है। तो हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि जो सिलेंडर हेड है वह कास्ट आयरन के भी बनाए जाते हैं और एल्यूमिनियम अलॉय के भी बनाए जाते हैं, और सिलेंडर ब्लॉक भी अधिकतर कास्ट आयरन के ही बनाए जाते हैं। पर जो सिलेंडर हेड एल्यूमिनियम इलाय से बने होते हैं ऐसे सिलेंडर हेड में जो वाल्व सीट है वो ब्रोंज मेटल की बनाई जाती है, और जो सिलेंडर हेड या सिलेंडर ब्लॉक जो है वो कास्ट आयरन के बने होते हैं। तो ऐसे में जो वाल्व सीट होते हैं वो मोनल मेटल अथवा हाई स्पीड टूल स्टील की जो बनी हुई जो सीट है वो कम्बशन चेंबर के पास जहाँ वाल्व फिट किया जाना है वहाँ पर सीट को प्रेस फिट किया जाता है। तो हमारा जो सिलेंडर हेड अथवा जो वाल्व है जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर एल्यूमिनियम एलाय का बना हुआ है तो वहां पर जो सीट सीट जो हम फिट करेंगे वो ब्रोंज मेटल का बना होगा। अगर सिलेंडर हेड अथवा ब्लॉक जो है वो कास्ट आयरन का बना हुआ है तो वहां पर मोनल मेटल या हाई स्पीड टूल स्टील का बना हुआ जो सीट है उसको हम फिट करेंगे। यहाँ पर सीट की धातु का चयन करते समय
हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वाल्व सीट उस धातु की होनी चाहिए जिसका विस्तार गुणांक सिलेंडर हेड से अधिक हो। मतलब जो सीट हम प्रयोग कर रहे हैं कंबस्टन चैम्बर में या जिस स्थान पर वाल्व फिट किया जाना है उस स्थान पर, तो उसका जो ताप विस्तार है कोफिशियंस ऑफ एक्सपेंशन, वो सिलेंडर हेड अथवा सिलेंडर ब्लॉक से अधिक होना चाहिए, जिससे कि जब इंजन के अंदर कंबस्टन चैम्बर में दहन प्रक्रिया होती है तो उस प्रक्रिया से जो ताप उत्पन्न होता है उससे ये पूरे जो इस एरिया पे जितने भी कल पुर्जे हैं वो उस ताप के प्रभाव से गर्म होते हैं और अपने आयतन में वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पर अगर जो सीट जो लगाया गया है निश्चित स्थान पर, जो प्रेस उसको फिट किया गया है, एक रिंग के समान एक सीट होता है जिसको निश्चित स्थान पर हम सुराख करके वहाँ पर उसको हम प्रेस फिट करते हैं, तो होगा क्या, अगर जो हमारा सीट है उसका ताप विस्तार जो है वो कम हो गया और सिलेंडर हेड यह सिलेंडर ब्लॉक का जो ताप विस्तार है वह अधिक होगा, तो सीट का जो विस्तार है वो होगा कम। तो अगर जो हेड या ब्लॉक का जो विस्तार है वो होगा अधिक, तो होगा क्या कि जिस होल पर इस सीट को सिलेंडर ब्लॉक या हेड के जिस हिस्से पर फिट किया गया है वो अपना जो सीट है उसकी जो पकड़ है वो छूट जाएगी, क्योंकि जब हेड जो है अधिक फैल जाएगा तो जिस होल पर सीट को फिट किया गया था वो होल भी तो बड़ा हो जाएगा, तो होल बड़ा हो जाएगा तो ये सीट जो है वो उस होल में ढीला पड़ जाएगा और वाल्व जो है अपनी सीट को कवर तो कर रहा है लेकिन सीट जो है इस सिलेंडर हेड अथवा ब्लॉक में ढीला पड़ने के कारण जो कंप्रेशन है यह जो सिलेंडर है वह पूरी तरह से सील नहीं हो पाएगा। इसलिए जो सीट हम प्रयोग कर रहे हैं उसका ताप के कारण जो विस्तार है, जो फैलाव है, वो सिलेंडर हेड अथवा जो सिलेंडर ब्लॉक है उससे अधिक होना चाहिए। अगर उसका फैलाव अधिक होगा तो वह उस होल पर और अच्छे तरीके से जाम हो जाएगा, जकड़ देगा उसको, अच्छे तरीके से सील कर पाएगा, जाम हो जाएगा। जो सीट जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसको हीट ट्रीटमेंट दिया जा सके और जो सीट जो है उसमें हीट ट्रांसफर का गुण हो, क्योंकि सिलेंडर हेड अलग है और जो सीट हम प्रयोग कर रहे हैं वो अलग पुर्जा है, इसको जब हम प्रेस फिट करते हैं दोनों के मेटल में भिन्नता होती है, तो जो ताप आया हुआ होता है सिलेंडर सॉरी वाल्व वाल्व के हेड में जो ताप आता है या जिस ताप को वाल्व का हेड जो है वो अवशोषित करता है, तो वो वाल्व जब अपनी सीट से बंद रहता है, चिपका हुआ रहता है, तो वाल्व जो है अपने पे आया हुआ जो ताप है, जो टेम्परेचर है, उसको सीट को ट्रांसफर करता है, तो जो सीट है वो उस टेम्परेचर को सिलेंडर हेड अथवा सिलेंडर ब्लॉक में स्थानांतरित कर सके अच्छी तरीके से या ट्रांसफर कर सके, तो ये हीट ट्रांसफर का गुण उसमें अच्छे तरीके से होना चाहिए। और साथ ही साथ ये जो सीट है वो सिलेंडर हेड अथवा ब्लॉक पर अच्छे तरीके से चिपक सके या फिक्स हो सके, एयर टाइट। तो अगला है वाल्व गाइड। तो वाल्व गाइड वाल्व जो है सिलेंडर हेड अथवा ब्लॉक के जिस हिस्से पर लगा हुआ या लग कर जब ऑपरेट होता है तो वह तभी ऑपरेट सही ढंग से हो पाएगा जब
उस स्थान पर गाइड लगाया जाए। गाइड जो है एक पतली खोखली, एक कास्ट आयरन की बनी हुई एक ट्यूब होती है, जैसे पाइप होता है, खोखला पाइप का जो टुकड़ा होता है, तो इस तरह का एक खोखला पाइप का एक ट्यूब है, जो पाइप जो है वो कास्ट आयरन का जो बना हुआ है। इस टुकड़े को जिस स्थान पर वाल्व फिट किया जाना है, उस स्थान पर ये जो है ये वाल्व गाइड है। इसी खोखले ट्यूब के अंदर जो स्टेम है वो फिट हो करके अपने निश्चित स्थान पर ऊपर नीचे चलते रहती है, ऑपरेट होते रहती है। तो जो वी टाइप के जो इंजन होते हैं, वी हेड जो इंजन होते हैं, उसमें ये जो वाल्व गाइड है उसको दो टुकड़ों में काट दिया जाता है, दो टुकड़ों में, टू पीस में प्रयोग किया जाता है ये जो गाइड है। वाल्व गाइड और स्टेम के बीच में एक निश्चित क्लियरेंस देने की आवश्यकता होती है, ताकि स्टेम जो है वाल्व गाइड के बीच में जब ऊपर नीचे चले तो बिल्कुल जाम ना हो और बहुत ज़्यादा ढीला ना हो। तो यहाँ पर लुब्रिकेटिंग जो ऑयल है वो वाल्व गाइड और स्टेम के बीच पर आकर उन दोनों पार्टों को घर्षण होने से बचाती है। लुब्रिकेंट आवश्यकता अनुसार वहाँ पर प्राप्त हो सके इतना वहाँ पर क्लियरेंस दिया जाता है। तो कुछ समय चलते चलते होता क्या है कि ये जो स्टेम है और ये जो गाइड है वो ढीले हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वाल्व गाइड और स्टेम या वाल्व दोनों को एक साथ बदला जाता है। तो जब भी वाल्व गाइड को सिलेंडर हेड अथवा ब्लॉक में नया जब फिट किया जाता है, तो सिलेंडर हेड अथवा सिलेंडर ब्लॉक को गर्म किया जाता है लगभग 325 डिग्री सेल्सियस से 375 डिग्री सेल्सियस तक, 325 डिग्री सेल्सियस से 375 डिग्री सेल्सियस के आसपास सिलेंडर हेड अथवा ब्लॉक को गर्म किया जाता है, और ये जो गाइड है इस गाइड को बर्फ पर प्रिक किया जाता है, उसको ठंडा किया जाता है। तो हेड और ब्लॉक इनको अगर हम गर्म करते हैं तो जिस स्थान पर ये जो गाइड फिट किया जाना है वो होल जो है अपने आयतन में वृद्धि कर जाएगा, और जो बर्फ पर कोल्ड किया गया या प्रिक किया गया जो गाइड है वो अपने आयतन में ठंडा होने के कारण सिकुड़ा हुआ होगा और आसानी से उस होल पर वह फिट हो जाएगा। और जैसे जैसे जो सिलेंडर हेड है और सिलेंडर ब्लॉक है उसका जो तापमान है, हमने उसको 325 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस के आसपास उसको गर्म किया हुआ है, तो जैसे जैसे इसका जो तापमान है वो कम होते जाएगा, जो फैला हुआ जो होल व्यास था वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, और जो गाइड है उसको वो पूरी तरह से चारों तरफ से उसको जकड़ लेगा और उसको सील कर देगा। आगे है वाल्व लॉक या रिटेनर। इसके माध्यम से वाल्व को हम स्प्रिंग और कैप के साथ में, इस वाल्व लॉक के साथ हम क्या करते हैं कि जो वाल्व स्टेम पर जो टीप के नीचे इस तरह के जो ग्रूव बने हुए थे, उस ग्रूव में जो लॉकिंग डिवाइस है उसको हम फंसा करके इस स्प्रिंग के टेंशन पर उसको हम लॉक कर लेते थे, ये सॉरी लॉक कर लेते हैं। तो ये जो है वाल्व लॉक या रिटेनर तीन प्रकार के होते हैं। तो ये जो वाल्व लॉक है ये तीन प्रकार के होते हैं, पिन टाइप, हॉर्स शू टाइप और कोनिकल टाइप।
पिन टाइप में ये जो ग्रो है ये ऐसा नहीं होगा, इसमें आर पार एक सुराख किया जाएगा, गोल हो सकता है या स्लॉटेड हो सकता है। तो पिन टाइप में गोल पिन होगा और होरशू टाइप में गोल पिन हो सकता है या इस तरह से चौकोर पिन हो सकता है पिन टाइप में। और होरशू टाइप में इस वाल्व के बाहरी हिस्से पर एक रिंग कटा होगा, एक छल्ला कटा होगा पूरी स्टेम की परिधि पर, और इसमें जैसे नाम से ही स्पष्ट है हॉर्स जो घोड़े का जो पैर होता है उसका जो एक तरह से कह सकते हो कि घोड़े की जो नाल की जो आकृति है, इस तरह का एक लॉकिंग डिवाइस होता है स्प्रिंग और कैप को, जब वाल्व को उसके सीट पर हम गाइड के रास्ते हम फिट करते हैं तो ऊपर से स्प्रिंग और कैप लगा करके स्प्रिंग को प्रेस करके इस लॉक को उसके जो ग्रू है उसमें हम पहना देते हैं या फिट कर देते हैं। और जब हम इसको रिलीज करते हैं कैप को तो स्प्रिंग जो है इस लॉक के सहारे इस वाल्व को पूरी तरह से जकड़ लेता है और सीट पर उसको बंद रखता है। और कोनिकल टाइप में ये टू पीस में बना होता है, इसमें जो ग्रू होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं सामान्य जो हमने देखा हुआ है। इस ग्रू पर ये टू पीस में होते हैं कोनिकल टाइप, जब पहले की तरह जब हम उसको स्प्रिंग और कैप के माध्यम से उसको प्रेस करके ये टू पीस में जो इसके जो लॉक होते हैं उन दोनों को असेंबल करके जोड़ दिया जाता है कैप में, उस लॉकिंग डिवाइस का जो व्यास है उसके अनुरूप उसमें एक तिरछा होल बना होता है जहां पर जो लॉकिंग डिवाइस है कोनिकल टाइप वो जा करके फंस जाता है और जो वाल्व स्प्रिंग है उससे लोडेड होकर के वाल्व जो है वो लॉक हो जाता है। अगला है वाल्व टैपर और लिफ्टर। कैमशाफ्ट द्वारा वाल्वों को उठाकर खोलने में टैपर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ओवरहेड वाल्व व्यवस्था में कैम के साथ कैम जो है वो टैपर को लिफ्ट करता है या लिफ्टर को लिफ्ट करता है, और लिफ्टर जो है वो पुश रॉड, रॉकर आर्म और वाल्व को खोलता है। जब साइड वाल्व व्यवस्था की बात करें तो कैम शाफ्ट जो है कैम के जो लोब हैं वो टैपर को ऊपर पुश करेंगी और सीधा वाल्व स्टेम को पुश करके सीट से उसको बाहर ओपन करेंगी वाल्व को। तो इस तरह से जो टैपर होते हैं वो साइड वाल्व व्यवस्था में सीधे ही वाल्व को पुश करेंगी, और जो ओवरहेड वाल्व व्यवस्था में टेपर जो है वो पुश रॉड और राकर आर्म असेंबली के माध्यम से वाल्व को पुश करके खोलेंगे। अगला है वाल्व स्टेम ऑयल सील। हम जानते हैं कि वाल्व स्टेम जो है जब चलता है तो अपनी गाइड के बीच में फिक्स होकर के ऊपर नीचे चलता है, चाहे वो ओवरहेड वाल्व व्यवस्था में हो या साइड वाल्व व्यवस्था में हो। तो यहाँ पर वाल्व गाइड और वाल्व स्टेम इन दोनों के बीच में घर्षण होता है। तो इन घर्षण को घटाने के लिए या घर्षण को रोकने के लिए हम यहाँ पे लुब्रिकेंट की मात्रा हम देते हैं ताकि इन दोनों के बीच में घर्षण ना हो। तो वो जो लुब्रिकेंट है वो जब पोर्ट जब खुले हों, वाल्व जब ओपन हो, तब जब चार्ज सिलेंडर में प्रवेश कर रहा हो इनलेट पोर्ट में, अगर यहाँ पे लुब्रिकेंट दिया जा रहा है तो वो जो लुब्रिकेंट है वाल्व जब ऊपर नीचे चले तो उस समय लुब्रिकेंट करता हुआ वो रिस करके वो कम्बस्टन चेंबर में आ करके जल सकते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए गाइड और स्टेम के बीच में यहाँ पर हम ऑयल सील का प्रयोग करते हैं ताकि जितनी मात्रा में लुब्रिकेंट वाल्व स्टेम और गाइड में दिया जाना है
उतनी ही मात्रा वहां पर लुब्रिकेंट पहुंच जाए और जो अतिरिक्त जो मात्रा है वो बाहर ही रह जाए, इधर कंबस्टन चैम्बर में ना गिरे। अगर कंबस्टन चैम्बर में गिरेगा तो वह ईंधन के साथ में जल जाएगा, जिससे जो इंजन ऑयल है उसकी जो खपत है वह बढ़ती जाएगी। तो वाल्व स्टेम और गाइड के बीच में हम एक रबर की ओरिंग प्रयोग करते हैं, जिसको हम वाल्व स्टेम ऑयल सील कहते हैं। अगला है वाल्व स्प्रिंग। तो यहाँ पर वाल्वों को अपनी सीट पर अच्छी तरह से बंद करने के लिए वाल्वों को हम एक तनाव देते हैं, टेंशन देते हैं एक कॉइल स्प्रिंग के माध्यम से, जिसको हम वाल्व स्प्रिंग कहते हैं। यह कुछ समय चलते चलते इसका जो बाहरी फैलाव है, जो बाहरी जो तनाव है वो कमजोर होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो स्प्रिंग है वाल्व को अपनी सीट से ठीक ढंग से बंद नहीं कर पाते, ठीक ढंग से बैठा नहीं पाते, तो ऐसे में लीकेज की संभावना होती है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे स्प्रिंग को जांच करके उसको बदल दिया जाता है। एक होता है हाइड्रोलिक वाल्व टैपेट या लिफ्टर। तो जैसा हमने सामान्य जो टैपेट या लिफ्टर या फॉलोअर जिसको हम कहते हैं, तो ये जो विशेष तरह का एक टैपेट या लिफ्टर होता है, नाम से ही स्पष्ट है हाइड्रोलिक। तो ये जो लिफ्टर है ये अंदर से खोखली होती है और यहाँ पर एक बॉल होता है या चेक वाल्व होता है, और इसमें जो लुब्रिकेटिंग की जो मात्रा इसमें सर्कुलेट होते रहती है ऑयल गैलरी से, वो लुब्रिकेटिंग ऑयल इस खोखले स्थान पर भरते रहता है, इस खोखले स्थान पर भरते रहता है चेक वाल्व के सहारे से, वहाँ से पहुँचता है। और ये जो वाल्व सॉरी ये जो पुश रॉड है वो उस ऑयल के ऊपर ऑयल सील के माध्यम से वो फिक्स रहता है। तो जब ये कैम जो है वो ऑपरेट होती है, तो ये जो टैपट है हाइड्रोलिक टैपट ये ऊपर जाता है। तो ये जब ऊपर जाएगा तो इसमें आया हुआ जो ऑयल है वो भी उसके साथ में ऊपर आएगा, और वो जो ऑयल है वो इस पुश रॉड को ऊपर पुश करेगा। ये लिफ्टर या फॉलोअर सीधा पुश रॉड को ऑपरेट नहीं करेगा, पुश रॉड के साथ में जब खोखले तल पे जो ऑयल है वो भी ऊपर जाएगा, तो उस ऑयल के ऊपर उठने से वो ऑयल इस पुश रॉड को ऊपर उठाएगा। और जब ये पुश रॉड को ऊपर धकेल रहा होता है तो थोड़ी सी ऑयल जो है, कुछ मात्रा ऑयल की, वो बाहर लीकेज कर जाती है। तो ये सामान्य है, क्यों? क्योंकि जिस इंजन पर हाइड्रोलिक वाल्व लिफ्टर प्रयोग किया जाता है ऐसे सिस्टम पे यहाँ पे जो टेपर क्लीयरेंस जो दिया जाता है वो देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो ऑयल का जो प्रेशर है वो तय कर देता है, वो अपने आप वो सेट कर लेता है। जो वाल्व का जो बाहरी फैलाव है जब ये गर्म होता है, तो ये फैलने से ये जो पुश रॉड है वो नीचे अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि नीचे क्या है लिक्विड है और खोखला स्थान है, तो इसका जो बाहरी फैलने से कोई विशेष अंतर नहीं आता है। तो जिसमें हाइड्रोलिक वाल्व लिफ्टर या टैपेट प्रयोग होता है वहां पे वाल्व क्लीयरेंस देने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा ओवरहेड वाल्व व्यवस्था में वाल्व टिप और रॉकर के बीच में क्लीयरेंस दिया जाएगा, साइड वाल्व व्यवस्था में टैपेट और वाल्व स्टेम के टिप के बीच में वाल्व जो क्लियरेंस है वो सेट किया जाएगा। तो ये सभी थे वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। तो इस वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म के ये जो कैम फॉलो कैम लोब हैं, टैपेट या लिफ्टर या फॉलोअर, पुश रॉड, रॉकर आर्म, ये सभी मिल करके वाल्व ट्रेन भी कहलाते हैं। वाल्व ट्रेन के अंतर्गत ये शामिल होते हैं कैम लोब, लिफ्टर,
पुशरॉड और रॉकर आर्म। तो अभी के लिए इतना,